बीच उत्तराखंड की त्रासदी पर अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पर उठ करके रिलीफ के लिए यहाँ पे कार्य करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समर्पित है, केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे सेना से की तरफ से जो भी हो पाया है हम लोगों ने गत दिनों में किया है और आगे भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज के लिए और मदद के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, जहां तक के पार्टी का संबंध है, आपने अगर देखा होगा तो मैंने भी जो ट्विटर पे बात करी है मैंने उसमें भी ये कहा है कि अभी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है। वहां पर जो प्राकृतिक आपदा के अंदर जो लोग वहां पर मारे गए हैं, तो ऐसे समय में हम लोगों को राज्य सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए। एक दिन के अंदर हम लोग इतने सारे लोगों को वहां से हम लेकर के आ गए श्रेय लेने के लिए, हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। हमारा ये मानना है कि राज्य सरकार जब वहां पर कार्य कर रही है, इस वक्त पूरे के पूरे देश को, सारी पार्टियों को, सारे राज्यों को मिलकर के राज्य सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो 50 करोड़ रुपए का मदद का भी ऐलान किया है राज्य सरकार के लिए, और जो भी और राज्य सरकारें मदद कर रही हैं, हमारी उत्तराखंड की राज्य सरकार उन सब की मदद ले रही है और उनकी मदद से आगे जितने भी रिकंस्ट्रक्शन के कार्य होंगे उत्तराखंड के लिए वो करेंगी। और ऐसे समय में अजय माकन बोल रहे थे और उनका कहना है कि त्रासदी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि जब ट्विटर वॉर चल रहा था तो उनके भी मंत्री पीछे नहीं रहे थे जवाब देने में। फिलहाल